एक ऐसा वायरस जो कि हर पेरेंट की आजकल चिंता बना हुआ है वो है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसको हम HMPV भी बोलते हैं। तो ये वायरस क्या है, ये वायरस से क्या सिम्टम आते हैं, किस तरह की इलनेस होती है, कितना सीरियस है, इसका इलाज कैसे होता है, इससे बचाव कैसा होता है, ये सब आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्या ये भी वायरस कोविड की तरह फैलेगा, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। आज मैं ये सब आपको क्लियर करूंगा, वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा क्योंकि जानकारी ही आपका बचाव है। चैनल पे नए हैं तो ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन, HMPV है क्या? तो HMPV इसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, RNA वायरस है, जैसे कि बाकी अदर वायरस जैसे कि RSV है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा है, ये ऐसे ही उन्हीं के जैसा ही होता है। और इसका जो सिम्टम्स होते हैं, इसके जो सीवियरनेस होता है, वो भी लगभग उन्हीं के जैसा ही होता है। ये बड़ों को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। बड़ों में सिम्टम थोड़ा माइल्ड रहते हैं और बच्चों में सिम्टम सीवियर हो सकते हैं। खासकर 5 साल के बच्चों में इसका इफेक्ट ज्यादा होता है, निमोनिया करा सकता है, सीरियस रेस्पिरेटरी डिस्टिस करा सकता है और इवन डेथ भी करा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि HMPV के सिम्टम्स क्या क्या है। तो इसके सिम्टम्स में मेनली फीवर होता है, फीवर माइल्ड भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है, और कोल्ड होता है, नाक बंद भी हो सकती है, नाक बह भी सकती है, यानी कि रनी नोज और स्टफी नोज हो सकती है। इसके अलावा खांसी हो सकती है, माइल्ड कफ, ड्राई कफ, या फिर बहुत सीवियर ब्रेथलेसनेस, सांस की दिक्कत हो सकती है, निमोनिया की तरह के सिम्टम हो सकते हैं, मतलब पसलियाँ चल सकती हैं। हो सकता है अगर छोटा बच्चा है तो फीड लेना बंद कर सकता है, अगर बड़ा बच्चा है तो आपको बोलेगा कि बॉडी में पेन हो रहा है, थकान हो रही है, आपको सुनकर लगेगा कि ये सारे सिम्टम तो फ्लू के जैसे हैं। तो जी हाँ, ये फ्लू के जैसे ही वायरस है, इसलिए सिम्टम भी फ्लू के जैसे ही होते हैं। तो सिर्फ सिम्टम के बेस पर ये आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल है कि ये HMPV वायरस की वजह से है या फिर नॉर्मल वायरस की वजह से है। लेकिन अगर आपके बच्चों को ये सिम्टम्स हैं और हमने इग्नोर किया तो उसको HMPV का इन्फेक्शन भी हो सकता है, बच्चा सीरियस भी हो सकता है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि HMPV वायरस फैलता किस तरह से है। तो देखिए, ये क्योंकि सांस की बीमारी है तो ज़्यादातर जो इसका फैलना होता है वो सांस से जो वायरस बाहर आता है वो हवा में स्प्रेड होता है, और वो किसी ने इनहेल कर लिया उससे होता है, या फिर जिसको ये सिम्टम्स हैं, जिसको इससे इलनेस है, उसके ने स्नीजिंग किया या कफ किया तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उसके हाथ पे लग गए, सरफेस पे लग गए, उस सरफेस को किसी और ने टच कर लिया तो उससे फैल सकता है। तो मोर ओवर आप देख सकते हैं ये कोविड के जैसा ही है और अदर जो वायरस इलनेस है उसके जैसा ही है। और सर्दियों में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ये माना जाता है कि जो सर्दियों का मौसम होता है, कूल टेम्परेचर इस वायरस के रिप्लिकेशन के और इसके स्प्रेड के लिए फेवरेबल होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये वायरस फिर से लॉकडाउन कराएगा, क्या ये फिर से इतना फैलेगा। तो ये चीज़ जानने के लिए थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। देखिए, ये जो वायरस है पहली बार आइसोलेट हुआ था 2001 में। तो 2001 में आइसोलेट हुआ था, जरूरी नहीं है कि 2001 में हुआ हो, ये उससे पहले भी हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हैं तो पहले से, हमने जाना बाद में। तो ये भी वायरस हो सकता है कि 2001 से पहला रहा हो, 2001 में इसको आइसोलेट किया गया फर्स्ट टाइम, और उसके बाद ये देखा गया कि जैसे बाकी इन्फ्लुएंजा वायरस है, RSV वायरस है, कोरोना वायरस है, इस तरह के जो वायरसेस हैं उनसे रेस्पिरेटरी इलनेस होती है। ये भी एक पार्ट होता है रेस्पिरेटरी इलनेस कराने का, मतलब कि सांस की मामूली दिक्कतें जैसे स्नीजिंग हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ये सब कराने का। तो ये कोई नया वायरस नहीं है। फिर इसका 2016 में जो US के अंदर ये सेकंड मोस्ट कॉमन वायरस था जिसने कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कराया था, तो इसका प्रीवेलेंस बढ़ा है टाइम के साथ। और 2018 में 14.2 मिलियन पूरे वर्ल्ड में केस पाए गए, और उन 14.2 में से 58% पेशेंट एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, और उसमें 64% जो डेथ हुई थी, टोटल डेथ, वो बच्चे थे। मतलब ये कि बच्चों में जो इसकी सीवियरिटी है वो थोड़ा सा ज्यादा है। फिर हम इस पॉइंट पे आते हैं कि क्या ये वायरस कोरोना जैसा वायरस है या फिर इससे लॉकडाउन हो सकता है। तो देखिए, फ्यूचर तो देखिए किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो हमारा अंदाजा अभी का है वो ये है कि फ्यूचर में ये कोरोना के जैसा नहीं होगा, ना ही इससे लॉकडाउन के चांसेस हैं, क्योंकि ये वायरस पहले से अवेलेबल है, लोगों के अंदर इम्यूनिटी ऑलरेडी इसको लेकर है, तो ये उतनी सीवियरिटी से नहीं फैलेगा, ना ही इससे इतनी ज्यादा मॉर्टेलिटी होंगी। लेकिन कौन सा वायरस कब स्ट्रेन बदल ले, कब उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, ये कोई नहीं कह सकता, तो इसलिए 100% श्योर ये नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं आज की इंपॉर्टेंट चीज की, इस वायरस से स्प्रेड से अपने बच्चों को कैसे बचाएं, प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। पहले हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो ये प्रिवेंशन वही बेसिक हाइजीन है जो हमने कोरोना के टाइम में बताया था, वो ये है कि आपको फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करना है और बच्चे की भी हैंड वॉशिंग करानी है। 20 मिनट सिस्टम आपको देखने हैं, आप वीडियो पर देख लीजिएगा किस तरह से कराना है, वो मैं बताऊंगा। और इसके अलावा बच्चे के जो टॉयज हैं वो सब आपको प्रॉपरली क्लीन करके रखने हैं, सरफेस को क्लीन करना है। और एक चीज़ आप याद रखिए कि ये वायरस क्राउडेड प्लेस में, भीड़ भाड़ की जगहों में बहुत फैलता है, तो ऐसे में जब तक इसका स्प्रेड है आप जो क्राउडेड प्लेस है उससे बचिए। आप मॉल्स में मत जाइए, गैदरिंग में मत जाइए, गेट टुगेदर है वहाँ मत जाइए, अपने
बच्चों को खासकर उनको ना लेके जाइए। अभी शादियों का सीजन भी है, तो आज ज़्यादातर लोग शादियों में गैदर होते हैं और वहाँ पर जाके इसके स्प्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो सबसे बचिए। और अपने बच्चे के जो डेली वैक्सीनेशन है वो कराते रहिए, अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से उसकी केयर करते रहिए, हाइड्रेट रखिए, न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। और एक बात, अगर आपके बच्चे को डेंजर साइंस हैं तो फिर आप तुरंत अपने डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से मिलिएगा। डेंजर साइंस क्या है मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके बाद बात करते हैं HMPV वायरस के ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो सिम्टोमेटिक में अगर फीवर है तो आपको पैरास्टामोल देनी है, जो कि रिकमेंडेड डोज है। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा स्टफी नोज है तो आप नेजोक्लियर ड्रॉप डालें। रनी नोज बह रही है तो कोई भी एंटीकोल या एंटी एलर्जी का आप दे सकते हैं, जो कि आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो। इसके अलावा अपने बच्चे का हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, पानी वगैरह खूब पिलाते रहिए, रेस्ट कराइए प्रॉपर तरीके से, न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। कफ के लिए जो कि आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो वो मेडिसिन आप दें। इसके अलावा होम रेमेडी भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप ऊपर आई बटन में जाके वो होम रेमेडी वाली कफ की वीडियो देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं आज की वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, क्या क्या डेंजर साइंस अगर आपको दिखें तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। तो अगर आपके बच्चों को ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो फिर आपके बच्चों को HPMV सीरियस वाला हो सकता है, तो आप अपने बच्चों को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। सबसे पहला है फास्ट ब्रीदिंग। आपका बच्चा अगर 1 साल से कम है और वो 60 बार से ज्यादा सांस ले रहा है, और 1 साल से ऊपर है वो 40 बार पर मिनट से ज्यादा सांस ले रहा है, तो फिर ये फास्ट ब्रीदिंग है। दूसरा है चेस्ट रिट्रैक्शन, मतलब कि आपके बच्चे की पसली चल रही हो, तो जो पसलियां हैं ये यहाँ पर गड्ढे पड़ रहे हो, या फिर यहाँ पर गड्ढे पड़ रहे हो, या फिर लोअर साइड में यहाँ पर गड्ढे पड़ रहे हो। तीसरा है नॉइजी ब्रीदिंग, आपका बच्चा सांस ले रहा हो, सांस में बहुत जोर जोर सी आवाज आ रही हो, या फिर बच्चा बोल ना पा रहा हो, या फिर वर्ड्स में टुकड़े टुकड़े में बोल रहा हो। अगला है बच्चे का नीला पड़ना, अगर इतनी ज्यादा सांस चल रही है कि आपके बच्चे में ब्लूइश डिस्कलरेशन दिख रहा है, यानी कि साइनोसिस दिख रही है, तो फिर ये भी डेंजर साइंस है। तो इन सब साइंस का ध्यान जरूर रखिएगा, अगर ये हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। तो दोस्तों ये था HMPV वायरस पे डिटेल वीडियो, ये वीडियो सबको शेयर करिए, सबको बताइए, ताकि सही जानकारी सब तक पहुंच सके। अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमारे चैनल पर ऐसे बनाए रखिए, देखते रहिए हमारे चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।